नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर अरमणे इजी आरटी और क्राफ्टी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम ऐसी चीज बनाने वाले हैं जो साइंस रिलेटेड है, मतलब पानी। पानी मतलब जीवन। तो इसी पानी का इस्तेमाल करके हम जो आज प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं उसका नाम भी हमने रखा है वाटर प्रेशर प्रोजेक्ट। तो वाटर प्रेशर का इस्तेमाल करके हम एक साथ बहुत सारे काम किस तरह से कर सकते हैं वो आज हम सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, हम इसे बच्चों के लिए स्कूल प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं और घर में शोपीस रखने के लिए एक वाटर फाउंटेन भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, इसकी खास बात यह है कि हमने इसे बनाया है, तो इसे बनाने के लिए हमने जो मटेरियल का इस्तेमाल किया है वो सब वेस्टेज मटेरियल है, मतलब हमने इसके लिए इसे बनाने के लिए ज्यादा खर्चा नहीं किया है। तो इसलिए दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में आज बहुत सारा एंटरटेनमेंट होने वाला है, थोड़ा सा लॉजिक भी हम लगाने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि हमारी अगली वीडियो आपको मिले सबसे पहले। तो चलो दोस्तों, आज कुछ नया सीख लेते हैं। दोस्तों, पहले लेते हैं एक फोम बोर्ड और उस फोम बोर्ड पे एक 10 सेंटीमीटर का सर्कल बना देते हैं ऐसे। फिर उसके अंदर एक और सर्कल बना देते हैं 7.5 सेंटीमीटर का। अभी जो अंदर वाला सर्कल है उसके पार्ट सेम पार्ट बना देते हैं इस तरह से, ठीक है। अभी सेंटर में 3 सेंटीमीटर का एक और सर्कल बना देते हैं और अभी जहां से हम कट करने वाले हैं वो आउटलाइन बना देते हैं इस तरह से। अभी जो बाहर वाला सर्कल है उसकी आउटलाइन कट कर देते हैं ये वाली, और अंदर वाला जो ब्रैकेट है वो भी कटर से कट कर देते हैं। ध्यान रखें दोस्तों, कटर और सीजर जैसे चीजों का इस्तेमाल ध्यान से करें। इस तरह का एक व्हील हो गया, ऐसे दो व्हील बनाने के हैं इस तरह से। अभी फोम के छोटे इस तरह के पीसेस लेके एक साथ जोड़ देते हैं इस तरह से, ठीक है। ऐसे 8 पीस बनाने के हैं। अभी एक व्हील लेके उस व्हील के ऊपर 8 पीसेस रख देते हैं, उसके ऊपर दूसरा व्हील रख के ग्लू गन से चिपका देते हैं। तो ये तैयार हो गया हमारा मेन व्हील। अभी हमें जरूरत है 2 स्पिनर की। उस स्पिनर पे 20 सेंटीमीटर की एक फोम पट्टी इस तरह से लगा लेते हैं। अभी ये दोनों स्पिनर व्हील के सेंटर में दोनों तरफ से जोड़ देते हैं इस तरह से। अभी व्हील का हैंडल बनाने के लिए एक तार हमने ली है, उसको जेड शेप देके इस तरह से स्पिनर में लगा देते हैं। अभी व्हील का स्टैंड बनाने के लिए एक 10x22 का बोर्ड लेके इस तरह से लगा दिया है। अभी व्हील घुमाने वाला जो हमारा कैरेक्टर है वो बनाने के लिए एक एम्प्टी मार्कर पेन, फोम से बने उसके हाथ पैर
स्मॉल रबर बॉल और एक कैप, जो सब वेस्टेज मटेरियल है, उसको एक साथ हम जोड़ देते हैं इस तरह से। तो दोस्तों इस तरह से एक एक्स स्टैंड बनाई है हमने, एक एक्स बनाई है जो कैरेक्टर के हाथ में देने वाले हैं, एक टेबल और तीन चार आदमी के कैरेक्टर इस तरह के, ठीक है। अभी एक आदमी को लेके इस तरह से उसके हाथ में हैंडल दे देते हैं, जैसे कि लगे वो हैंडल घुमा रहा है। उसके सामने एक्स स्टैंड को सुपर ग्लू से चिपका देते हैं, उस स्टैंड के ऊपर एक्स भी लगा लेते हैं इस तरह से। उसी कॉर्नर पे टेबल को सेट कर देते हैं इस तरह से। अभी ये ऐसा वर्क करेगा। दूसरे कैरेक्टर को सेट करने के बाद उसको पीछे से हैंडल को धागे से बांध दिया है इस तरह से। अभी एक बड़ा सा फोम बोर्ड लेके उसमें हमारा जो तैयार मॉडल है उसको सुपर ग्लू से लगा दिया है इस तरह से। अभी हमें जरूरत है एक वाटर मोटर की, उसे कॉर्नर पे ग्लू गन से इस तरह से चिपका देते हैं, फिर इस तरह से हम उसे स्टेयर्स बना के ढक देते हैं ताकि वो किसी को दिख ना सके। अभी हम इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग में यूज होने वाले पाइप लेते हैं, उसको टीवी एंटीना के पाइप मैंने इस तरह से जोड़ दिया है। इस पाइप को हम इस तरह से चिपका देते हैं कि वो छोटे से बड़े तक साइज के अनुसार चिपक जाए और उससे वाटर लीक ना हो सके, ठीक है, इस तरह से। और जो पहला वाला बड़ा पाइप है उसको हमने मोटर का वाटर सप्लाई पाइप जोड़ दिया है। एक पाइप को हमने इस तरह का शेप देके इस्तेमाल किया है और ये स्टैंड बनाने के लिए एल्युमिनियम पाइप, मतलब टीवी एंटीने के पाइप है ये वेस्टेज मटेरियल। इस तरह से बीच में होल निकाल के इसमें स्ट्रॉ लगा देते हैं इस तरह से। स्ट्रॉ का जो एक्स्ट्रा हिस्सा है वो हम कटर से काट देते हैं, फिर वो स्टैंड से इस तरह से जॉइंट करके लगा देते हैं। ये हमने इस तरह से तीसरा कैरेक्टर भी खड़ा कर दिया है, देखो ऐसे। अभी एक नायलॉन धागा लेके तीसरे कैरेक्टर को पीछे से बांध के वो अपने शेप दिए हुए पाइप को इस तरह से बांधेंगे, अगर पाइप नीचे जाए तो कैरेक्टर का हाथ ऊपर आ जाए। हमारे प्रोजेक्ट का ये मेन पार्ट रेडी हो गया।
अभी इसको हम एक बड़े से ट्रे में रख देते हैं और अपने हिसाब से डेकोरेट कर देते हैं और कलर भी दे देते हैं। और हो गया हमारा प्रोजेक्ट तैयार। ये उसमें पानी डाल के स्टार्ट कर देते हैं। तो चले दोस्तों, कैसा दिखता है हमारा प्रोजेक्ट? पहले वाला कैरेक्टर व्हील घुमा रहा है, दूसरे के हाथ में पतंग थमा दी है, तीसरा मछली पकड़ रहा है और चौथे कैरेक्टर के हाथ में झंडा दिया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।